और भाई साहब फर्स्ट इम्प्रेशन आपको दिखाएं गेटवे ऑफ इंडिया का, तो ये रहा व्यू समुद्र का जो कि गेटवे ऑफ इंडिया का पड़ता है। और गाइस यहाँ से देखो ताज होटल का व्यू कैसा दिखता है, देखो कितना एकदम जबरदस्त। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। ऐसे भी दोपहर के 1 बज चुके हैं और आज है मुंबई में हमारा तीसरा दिन। आज भी हम लोग कहीं घूमने के लिए निकल रहे हैं, प्लानिंग अभी क्लियर नहीं है कि कहाँ जाना है। जैसे सुबह सोच रहे थे 10 बजे से निकलने को, लेकिन 10 बजे थोड़ा लेट हो गया था, तो अभी टाइम जो है लगभग 1 से ऊपर ही हो रहे हैं। देख रहे हैं कहाँ जाना है, आगे आप लोग को मालूम ही पड़ेगा। तो चलिए गाइस अभी घर से निकलते हैं और निकलते टाइम जो है मम्मी का भी आशीर्वाद लेते हैं। खुश रहो मेरा बेटा, मेरा बहू, सब खुश रहे, सब सुखी रहे। इन लोग के साथ साथ आप भी खुश रहना, आप भी सुखी रहना, इन लोग को प्यार आशीर्वाद देना, लोग वीडियो फुल देखना, लाइक भी करना। देखो गाइस साथ में प्रेम जा रहा है और लाडू एकदम पूरा रेडी हो गई है। तो गाइस वैसे जो है ना आज गोविंद नहीं जा रहा है, रीजन यही था कि पापा जो दुकान लगाते हैं ना, तो पापा बोल रहे हैं कि रमजान का महीना है और रमजान में थोड़ा सा दुकान अच्छा चलता है, वही पापा बोल रहे हैं कि गोविंद नहीं जा पाएगा क्योंकि पापा 3 बजे से दुकान लगाते हैं और अभी 1 या 1.5 के करीब हो रहा है, तो हम लोग को जाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसी वजह से रिटर्न गोविंद आ नहीं पाएगा। वही पापा बोल रहे हैं कि गोविंद को मत लेके जाओ, तुम ही लोग जाओ घूम लो, और जैसे ही रमजान खत्म होगा तो फिर गोविंद भी साथ में जाएगा। और वैसे रिटर्न जब आएंगे ना तो एक जगह और मॉल में हम लोग को जाना है कुछ मोबाइल वगैरह खरीदने के लिए, तो अगर प्लानिंग बनता है तो मोबाइल भी लिया जाएगा। वही पापा बोल रहे हैं कि तुम लोग जाओ, हम लोग अभी 4 लोग जो है वो निकल रहे हैं, गोविंद अभी नहीं जा रहा है। गाइस हम लोग को वैसे जो है रिक्शा पकड़ना है, रिक्शा पकड़ के मलाड स्टेशन जाना है जहाँ की लोकल स्टेशन है। हल्के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोग जो है मलाड स्टेशन गए थे, तो वहाँ से ही जाके और जो है लोकल ट्रेन वहाँ से पकड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए अभी रिक्शा पकड़ेंगे और रिक्शा जो है यहाँ से मिल नहीं रहा है और मिलेगा भी ना। रिक्शा में क्या होता है ना कि 3 आदमी से ज्यादा लोग नहीं बैठ पाते हैं और रिक्शा जो है वो मीटर से चलता है, लेकिन आगे वाला जो रिक्शा एक मिलेगा जहाँ पे कल हमने रिक्शा पकड़ा था, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो वहीं से रिक्शा पकड़ेंगे तो उस रिक्शे में जो है ना 4 लोग को बैठा लिया जाता है। हम लोग तो 4 ही लोग हैं, तो वहीं से पकड़ा जाएगा और वहां से पकड़ के मलाड निकलेंगे और मलाड से लोकल ट्रेन का टिकट लेंगे और फिर वहां से निकलेंगे जहां हम लोग को जाना है। तो अभी हम रास्ते में हैं और इतना ज्यादा धूप लग रहा है कि आप मुझसे क्या कहें, बहुत ज्यादा धूप लग रहा है, लेकिन घूमने का बहुत ज्यादा शौक चल रहा है, धूप में हम लोग निकल पड़े घूमने। चलो हम तो घूमे हैं, बस लाली नहीं घूमी है तो घूम ले, बम्बई का मजा उठा ले। और अच्छा लग रहा है इन लोग के साथ घूमने में, और पहले घूमे हैं छोटे छोटे बच्चे लोग रखे तब तक के हम घूमे थे। 1 महीना तो वैसे रहना है मुंबई में, तो 1 महीना में जितना घूमना है तो हम लोग घूम ही रहे हैं, और जितना है घूमना उतना भाई सब कोई घूम ले, क्योंकि वहाँ पे फिर चले जाएंगे तो फिर मुंबई आना फिर एक बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि भाई साहब काम वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है, चैनल भी है, फैमिली भी है, सब किसी को देख के और उसके बाद ही जो है कहीं प्लानिंग कर सकते हैं घूमने की। बहुत प्लान करने के बाद से वैसे तो मुंबई आए हैं लोग और आज निकल रहे हैं, देखिए कहाँ जाते हैं। 2 जगह का प्लान है कि तो जूहू चौपाटी और नहीं तो गेटवे ऑफ इंडिया, 2 जगह में से 1 जगह कहीं जाएंगे। फाइनली जो है रिक्शा हम लोग को मिल चुका है और फैमिली अभी जो है हमारी रिक्शे में बैठ गई है। तो गाइज हम भी रिक्शे में वैसे बैठ चुके हैं और निकलते हैं अभी मलाड स्टेशन। और गाइज कल गए थे ना शाम को तो उतना ज्यादा धूप नहीं था और आज जो है काफी ज्यादा धूप है, क्योंकि टाइम जो है पूरा का पूरा दोपहर हुआ है। चुके हैं हम लोग मलाड स्टेशन पे, कितना हुआ भैया? 15 रुपये एक आदमी का किराया लगता है, तो 60 रुपये हुआ 4 जने का। तो गाइज वैसे आ गए हैं मलाड स्टेशन पे और देखो अभी जस्ट यहाँ से एक लोकल ट्रेन निकल रही है और इसी साइड हम लोग को जाना है ना चर्च गेट डायरेक्ट, ठीक है। और ये देखो चर्च गेट के तरफ से ही एक और लोकल ट्रेन आ गई। तो गाइज यही मलाड स्टेशन है और यहीं से हम लोग को गाड़ी पकड़ना है। तो गाइज अभी निकल रहे हैं और यहाँ पर देखो 4 टिकट जो है ना मैंने ले लिया है चर्च गेट रिटर्न का, यानी कि इधर से जाने का भी और उधर से आने का भी, एक ही बार में टिकट मैंने ले लिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गए हैं और यहाँ पर देखो ये जो ट्रेन है ना ये जो है स्लो ट्रेन है, यानी कि हर स्टेशन पे रुकते हुए जाएगी, और मैं सोच रहा हूँ फास्ट पकड़ने को ताकि चर्च गेट जाने में 3 से 4 ही स्टाफ उसका हो और डायरेक्ट चर्च गेट लेके हम लोग को चला जाए। अभी वेट करते हैं, देखते हैं फास्ट ट्रेन जो है वो कब तक आती है। ये जो है स्लो है और ये हर एक स्टेशनों पे रुकते हुए जाएगी तो काफी ज्यादा वक्त लगाएगा, तो इसी की वजह से इसको हमने छोड़ दिया है। गाइज फास्ट ट्रेन जो है ना 3:15 पे आएगी और अभी 2:45 हो रहा है, तो फास्ट ट्रेन पकड़ने के लिए एक जगह पता किए हैं तो आधा घंटा रुकना पड़ेगा, तो बेटर है कि स्लो ही ट्रेन पकड़ के और टाइम से निकल जाया जाए। फाइनली चर्च गेट के लिए एक और ट्रेन हमारा आ गया है, तो अभी इसी को पकड़ते हैं और निकलते हैं चर्च गेट। ट्रेन पे बैठ चुके हैं हम लोग और देखिए इधर लाली बैठी है लाडो को लेके, लाडो सो गई है गोद में ही। गाइस फाइनली जो है चर्च गेट स्टेशन जो है आ चुके हैं। गाइस ये रहा कुछ लास्ट स्टेशन चर्च गेट का व्यू, और यही ट्रेन जो है हम लोग पकड़ के आए थे, स्टेशन से बाहर आ चुके हैं
और कभी भी आप मुंबई आओ और चर्च गेट आना हो और यहाँ से जो है गेटवे ऑफ इंडिया अगर आपको जाना है तो भाई साहब देखो टैक्सी यहाँ से मत पकड़ना, क्योंकि टैक्सी का जो किराया होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, वो मीटर से लेके जाते हैं। लेकिन वही अगर यहाँ से आप बस पकड़ोगे गेटवे ऑफ इंडिया के लिए तो एक आदमी का मात्र 6 रुपया किराया लगेगा, जो कि गाइज यहाँ पर देखो मात्र 24 रुपया लगा है, और 24 रुपये में 4 लोगों को लेके जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया, वो भी बस से। तो अभी बस का वेट करते हैं, देखते हैं कि बस कब तक आता है। तो गाइज ये रहा कुछ व्यू यहाँ पर देखो चर्च गेट का, फर्स्ट टाइम यहाँ आए और काफी अच्छा लग रहा है। और हम लोग अभी बस का इंतजार कर रहे हैं, तो लाइन में सभी लोग खड़े, मम्मी प्रेम बाबू बाकी आगे लोग भी खड़े हैं। अभी गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे, देखेंगे कैसा लगेगा वहाँ पे। बहुत अच्छा लगेगा, हम गए हैं कई बार, बहुत अच्छा लगता है हमको। और गाइस फाइनली जो है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया के लिए बस जो है वो आ चुका है। तो गाइस अभी चलते हैं बस के अंदर, तो मम्मी भी आ गई और इधर लाली भी आ गई, बस में हम लोग बैठ गए हैं। और बस की बात करें भाई ना तो एकदम फुल एसी चल रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ठंडक महसूस हो रहा है। 2 रुपये में एसी वाला बस हमको मिल रहा है और लेके जाएगा भी चर्च गेट तक, मजा रहा है। मन कर रहा है इसी में और दम रहते हैं, 6-6 रुपये देकर वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, अभी इसमें आने पर बहुत ठंडक है, एसी वाला रूम है तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। लाडो कैसा लग रहा है बोलो, लाडो को बोलो बेटा अच्छा लग रहा है, बोल नहीं दी। बस यहाँ से निकल चुका है चर्च गेट के लिए और हमारी लाडो को देखिए कैसे देख रही है, क्या है आ चुके हैं चर्च गेट और बस से अभी बाहर एग्जिट कर दिए हैं, मतलब चर्च गेट स्टेशन था, गेटवे ऑफ इंडिया ये है। और गाइस फाइनली जो है हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया में एंट्री कर चुके हैं, और भाई साहब फर्स्ट इंप्रेशन आपको दिखाएं गेटवे ऑफ इंडिया का, तो ये रहा। ये जो है मुंबई में पड़ता है, चर्च गेट उतर के और आना पड़ता है यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया, और कुछ इस तरीके से यहाँ का जो है गाइस व्यू आता है। ये रहा व्यू समुद्र का जो कि गेटवे ऑफ इंडिया का पड़ता है, और देखो इसमें पानी वाले जहाज कितने हैं भाई। अभी चलेंगे इसके अंदर भी और कुछ यहाँ भी चल के आपको व्यू दिखाते हैं। तो गाइज यही ताज होटल है और यही कोने पे जो है एक बार हमला हुआ था, तो गाइज कमेंट करके बताइएगा किस तारीख को हमला हुआ था और किस सन में हुआ था। और यहाँ पे एक सामने एक और होटल है, पता नहीं यार गाइज इसका आइडिया नहीं है, इसका भी एकदम नया नाम है, दिमाग पे नहीं है कि क्या नाम है इसका, अभी पूछ के आपको मैं बताता हूँ कि इसका क्या नाम है। लेकिन ये जो है ताज होटल है और ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया है। बहुत दिन पहले मैं यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ से जो है पूरा का पूरा लॉक लग गया था, यानी जिस तरीके से वहाँ सिक्कड़ लगा हुआ है ये भी इसके अंदर एंट्री करने का अलाउ नहीं था, लेकिन अब तो भाई खुल गया, अब अंदर जा सकते हैं। तो अंदर भी चल के आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हवा इतना अच्छा चल रहा है, समुद्र तो हम पहली बार ही देखे हैं, सब कुछ मुंबई में आया, इतना अच्छा देखने का अच्छा व्यू मिल रहा है, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। ताज होटल तो हम भाई पहली बार, हम सिर्फ मूवी वगैरह हम देखते थे लेकिन अभी क्लियरली देख चुके हैं। और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी कितनी बार आई है, कितनी बार आई है मम्मी? यही दो तीन चार बार तो घूम ली हूँ। मम्मी तो कहीं कहीं चली गई लेकिन हम ही नहीं गए, इसीलिए हम घूम रहे हैं अच्छे से, मजे से एंजॉय कर रहे हैं अभी हम। और गाइस यहाँ पर देखो लाडो हमारी पैदल चल रही है, पैदल आ लाडो, जो टॉप लिए थे ना पैदल चल रहे हैं। गाइस कुछ दिन बाद जो आएंगे, हो सकता है 2-3-4-5 दिन जब भी आए, तो यहाँ पे आने के बाद से ना एलिफेंटा का भी एक बार टूर कराएंगे आप सभी को, हम लोग भी साथ साथ घूमने जाएंगे, देखेंगे कि पहली बार एलिफेंटा कैसा लगता है। नाम तो यहाँ पे बहुत बार आके सुने हैं कि एलिफेंटा जो है घूमने में काफी अच्छा लगता है, मजा आता है घूमने में, लेकिन गए कभी नहीं है। कि मुंबई आए हैं तो बारी बारी से सारा जो है घूमना है और साथ साथ आपको भी घुमाएंगे, जितना पॉसिबल हुआ उतना आपको टूर कराएंगे भाई मुंबई का। और गाइज ये है अंदर का व्यू गेटवे ऑफ इंडिया का, जो कि आप बाहर से यहाँ से आओगे ना तो ये अंदर का व्यू आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। और इस साइड जो हम चलेंगे तो यहाँ पर पूरा समुद्री जो है वो दिखाई देंगे, और पानी वाले जो जहाज हैं वो भी इधर चलते चलते दिखाई देंगे। और गाइज अभी व्यू आपको दिखाते हैं इधर का, तो ये देखो भाई पहले ये सब ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर, लेकिन अभी जो है बहुत ज्यादा इधर जहाज आपको मिलेंगे घूमने के लिए। अभी कोशिश करते हैं इधर चढ़ने का भी और देखते हैं टिकट कितना है, आपको ही बताएंगे, और देखते हैं कि कहाँ तक लोग घुमाते हैं लोग, और कोशिश करेंगे इस पर भी घूमने का। ये देखो पीछे का व्यू है गेटवे ऑफ इंडिया का, पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पीछे जब आओगे ना तो साइड से यहाँ पे ताज होटल है वो भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ का कुछ व्यू आपको देख लो, समुद्र में यार ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मछली है, इतने सारे जहाज, दूर दूर तक आपको जहाज यहाँ पे मिलेंगे। और एलिफेंटा हम लोग को जाने को है ना, तो एलिफेंटा जाने का रूट मेरे ख्याल से यही है, यहाँ से जो है पानी वाला जहाज मिलेगा और इसी रूट से लेके हमको लग रहा है एलिफेंटा सीधे निकल जाएगा।
आज लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं। मुंबई एक बार मैं भी आया था, तो आया था इधर घूमने के लिए, लेकिन जहाँ पे अभी खड़ा हूँ यहाँ पे नहीं आया था, बाहर से ही पहले लॉक पूरा था, लेकिन अभी तो भाई ओपन हो गया, पीछे से भी आके इधर जो है हम लोग घूम सकते हैं। तो 4-5 साल के बाद जो है यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। और बाकी प्रेम आए हो तुम कभी? हम तो 5-6 साल के थे ना, तो बहुत बार आए हैं यहाँ। प्रेम बाबू तो बहुत ज्यादा घूमे हैं मम्मी पापा के साथ। और इधर आई हूँ मम्मी पीछे कभी इसके? बहुत बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस समय में इतना पानी वाला जहाज नहीं था, लेकिन इस समय तो बहुत जहाज है पानी वाला, बहुत जहाज, बहुत काफी है। पानी कितना धार मार रहा है देखिए, अभी तो कम है पानी, बहुत कम है। और गाइस मैं आपको बताता हूँ, जब ये समुद्र का पानी बढ़ता है ना, तो ये पूरा यहाँ तक चला आता है, इसके ऊपर तक जो चला आता है, लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर कम हो गया है। और पानी अक्सर बढ़ता है बरसात के मौसम में, जब भी बारिश के मौसम में हम आएंगे ना, तो पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगा। देखने में ही गाइस डर लगता है, क्योंकि पूरा ओवर पानी होता है, जितना इतना ओवर होता है कि देख के आपको डर लगेगा, मतलब इतना ओवर होता है। वहाँ पे दिख रहा है ना, वो पूरा ये फुल हो जाता है, वो जितना पत्थर आपको दिख रहा है पूरा फुल हो जाता है पानी। और गाइस यहाँ से देखो ताज होटल का व्यू कैसा दिखता है, देखो कितना एकदम जबरदस्त। और साइड से ये पानी, एक बार मैं आया था ना, तो यहीं पे जो है पूरा ओवर पानी हो गया था, आज से 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि पूरा फुल पानी हो गया था, और साइड से पूरा जो है लॉक कर दिया गया था, अंदर आने की एंट्री यहाँ पे नहीं थी, इतना ज्यादा ओवर पानी हुआ था। और देखो गाइस समुद्र का व्यू बहुत मजा आता है देखने में, काफी अच्छा भी लगता है। वैसे चारों बगल जिधर जिधर हम लोग घूम रहे हैं उधर उधर खाली पानी वाला जहाज मिल रहा है। गाइस शाम के 6 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग घूम ही रहे हैं, पूरा 1 घंटा रेस्ट किए हैं ये सारा घूमने के बाद ना। तो गाइस वहां पर जो है पूरा 1 घंटा रेस्ट किए हैं, और आपको दिखाते हैं ये जो आपको ताज होटल दिख रहा है ना, ये ताज होटल का मेन एंट्री जो है यहीं से होता है, वो सामने आपको दिख रहा है, यहीं से मेन इसकी एंट्री होती है, और इसी के अंदर जो है जाते हैं लोग। काफी अच्छा फैसिलिटी है, काफी अच्छा होटल है, पैसा वैसे बहुत ज्यादा लगता है, मतलब बहुत ज्यादा कहे तो बहुत ज्यादा। एक कप चाय पीने जाओगे तो कम से कम मेरे ख्याल से 500 से 1000 रुपया कप आपको एक कप चाय का पड़ जाएगा। कैसे है अभी? 10 रुपया तो अभी एक दे दीजिए एक ठो। तो गाइस अभी देखो ये चना लिए हैं कबूतर को खिलाने के लिए, ठीक है ये लो एक, मम्मी तुम ले लो एक और ले लो, 2 पैकेट लिए हैं लो, एक वाइफ लिए एक मम्मी। और अभी जो है यहाँ पर देखो जितने इतने सारे कबूतर जो है ना यहाँ पर, सबको जो है चना अभी फेंक के खिलाया जाएगा। दोस्तों ये देखिए चना खरीदे हमारे हस्बैंड ने, और इसके अंदर इतने सारे कबूतर है, तो अभी हम जा रहे हैं इसे खिलाने। कैसे खिलाएं, फेंक दें? तो गाइस जो है कबूतर देखो, फेंको मम्मी तुम भी, कितना मजा आ रहा है। वो देखिए कितना सारे के सारे कबूतर आ गए खाने के लिए। देखो गाइस ये अभी आ गए इधर कबूतर, देखिए मम्मी फेंके तो इतना सारा आ गए, हम भी एक बार फेंके। अभी जो है ना थोड़ा सा चना बचा है, तो हम भी थोड़ा सा खिला देते हैं। गाइस इतना सारा चना है, तो अभी देखो मैं भी खिलाते हैं कबूतर लोग को। ये देखो कैसे आ रहे हैं लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हटे ना एक बार हम भी खिलाएं पास से। ये देखिए नहीं आ रहा, भग गए हैं, थोड़ा थोड़ा फेंको आएंगे। अरे देखिए उतने ज्यादा आ गए आ गए, खत्म हो गया, थोड़ा सा हो रहा है उधर फेंक दी। पेड़ के ऊपर जितने पत्ते नहीं है उससे ज्यादा कबूतर बैठे हैं। गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, और ये सामने वाला आपको बस दिख रहा है ना, ये आपको हम दिखाते हैं, ये देखो ये 2 मंजिल का बस है, कोशिश करेंगे इसके ऊपर चढ़ने का। हम तो फर्स्ट बार देखे हैं, देखो गाइस बस जो है वो निकल चुका है अभी, और डायरेक्ट पीछे से जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता जिस रास्ते से हम लोग आए हैं ना वही रास्ता दोबारा पकड़ के बाहर एग्जिट करना पड़ेगा, और एग्जिट करके दोबारा यहीं पे आना पड़ेगा, और यहाँ से फिर बस पकड़ के मम्मी और चारों बगल का थोड़ा सा टूर करवाएगा। मम्मी हमको 2 मंजिल का जो बस होता है दिखाई, हम देख के हंस रहे थे, हम कभी देखे ही नहीं 3 मंजिल, अगर हम लोग की तरफ चला जाए तो लोग हंसेंगे 2 मंजिल बस 2 मंजिल बस। चलो गाइस अभी फाइनली जो है यहाँ से एग्जिट करते हैं, और पानी वाले जहाज पे बैठने की बोल रहे थे ना, तो मम्मी बोल रही थी कि अभी मत बैठो, क्योंकि जाना है हम लोग को एलिफेंटा, और एलिफेंटा जाने के लिए दोबारा यहीं पे हम लोग को फिर से आना पड़ेगा, और यहीं से फिर जो है जहाज पानी वाला जहाज जो होता है उस पर बैठ के, और यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटे का टूर होता है, रास्ता भर जाते हैं, 1 से 1.5 घंटा लगता है, फिर एलिफेंटा आएगा। और तो मम्मी बोल रही थी कि एक ही बार आना, तो उसी टाइम चढ़ना, अभी मत चढ़ो, और पैर में दर्द हो गया है काफी इसके वजह से, इसीलिए हम लोग जो है वो चढ़े भी नहीं है और निकल रहे हैं बाहर, हम लोग जा रहे हैं थक जा रहे हैं एकदम से। गाइस देखो यहीं से जो है हम एंट्री किए हैं, और यहीं से जो है पूरा एग्जिट भी करना है हम लोग को। डबल डोर का बस होता है ना, उसी वक्त से इंतजार कर रहे हैं भाई कि मिल जाए, ताकि जो समुद्र के चारों बगल वो जो है टूर करवाते, एकदम छत पे बैठाएंगे, और जो पूरा छत का एरिया रहेगा ना यानी ऊपर का, वो पूरा का पूरा खाली रहेगा। लेकिन भाई 2 बार बस आया मिला ही नहीं, पूरा का पूरा सीट एकदम फुल था, उसकी वजह से नहीं मिल पाया था। देखो कुछ इसी तरीके से रहा था डबल डोर का बस, लेकिन ऊपर का जो छत है वो पूरा खाली रहता। तो अभी पता करते हैं कि यहाँ मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो फिर घूमेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर स्टेशन चलते हैं वापस घर जाने के लिए।
तो गाइस जो डबल डोर का बस था ना वो नहीं मिल रहा है, तो फिर से रिटर्न जो है हम लोग जा रहे हैं चर्च गेट और वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के घर जाएंगे। अभी तक कुछ खाना नहीं खाए हैं, चल के देखते हैं क्या खाना है। और बाकी गाइस जो है टिकट ले लिए हैं चार लोगों का, बस हमारा आ रहा है अभी। फाइनली जो है बस हम लोग का आ चुका है, तो अभी चलिए बस के अंदर जो है बैठते हैं। तो चलो गाइस 6 रुपये मात्र एक लोग का लग रहा है और फुल एसी वाला बस है, तो चलो अभी अंदर चलते हैं बस के। और गाइस बस में बैठ चुके हैं अभी। इधर देखिए लाडो एकदम मस्त खेल रही है, ये तो जब बड़ी होगी तो इसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ कहाँ घूमे हैं। फाइनली जो है चर्च गेट पे आ चुके हैं और ये रहा भाई चर्च गेट का रेलवे स्टेशन। चलते हैं अभी अंदर और कुछ खाते हैं और कुछ खा के उसके बाद से फिर निकलेंगे। गाइस अभी आए हैं वेज फ्रेंकी लेने के लिए, जो कि 4 पीस मिलेगा 100 रुपये का, आ गया है तो अभी इसको खाते हैं। तो गाइस चर्च गेट से जो है ना ट्रेन पकड़ के फिलहाल अभी हम लोग मलाड स्टेशन पे आ चुके हैं और मलाड स्टेशन से अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। मलाड स्टेशन से जैसे उतरते हैं ना तो ये वाला रोड, ये वाला जो ओवरब्रिज पकड़ के और सीधे ऐसे करके वहाँ बाहर निकल जाएंगे। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि आ गए हैं मलाड स्टेशन से बाहर और अभी रिक्शा हम लोग को मिल चुका है और रिक्शा पकड़ के जो है अभी निकल रहे हैं संजय नगर। गाइस सीन कुछ ऐसा है कि आ गए फिलहाल अभी घर पे पूरा घूम के। और जाइए गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि गए थे चर्च गेट इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए ना, तो वहाँ पे हुआ कुछ ही कि रील वगैरह सब कुछ वहाँ पे बनाया हूँ तो इंस्टाग्राम पे जो है अपलोड किया हूँ। जाइएगा रील देखिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा। और बाकी ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए गाइस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।